So hello students, we are going to discuss about the questions that will be 100% in your final exams. I am 100% sure. So these are the questions that will be 100% in your final exams. So आज हम करने जा रहे हैं कि जो आपके question paper में 100% जो questions आएंगे ही आएंगे maths के, वो मैं बताऊंगा आज आपको सब सारे questions के बारे में. Okay? तो ये video उन बच्चों के लिए, lecture उन बच्चों के लिए जो चाहते हैं कि हम पास हो जाएं, या फिर जो चाहते हैं कि जो बहुत अच्छे मार्क्स लाएं, क्योंकि डर बहुत कुछ चल रहा है दिल के अंदर, दिमाग के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन चल रहे हैं, क्या करें या क्या नहीं करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ रहे हैं इधर उधर, सब कुछ कर रहे हैं, बट ये जो वो वाले क्वेश्चन है जो आपको 100% आने ही आने हैं. ओके, तो ये क्वेश्चन तो 100% कर जाओ, क्योंकि जो हमें क्वेश्चन पता है जो आने हैं उसे क्यों छोड़ना है. क्योंकि इंडियन एजुकेशन में एक प्लानिंग चाहिए होती है, सिर्फ बस पढ़िए ना पढ़िए ना, उससे ज्यादा कुछ भी नहीं हो पाता है. जस्ट प्लानिंग से जो पेपर सेट होता है, सीबीएसई के रूल्स देख लो, सीबीएसई के जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो सारे एक रूल के अकॉर्डिंग होती है. ठीक है, कुछ इजी क्वेश्चंस होते हैं, कुछ मॉडरेट होते हैं, कुछ उससे टफ क्वेश्चंस होते हैं. तो वो मैं आज बताने जा रहा हूँ कौन से आपके एनसीईआरटी में से 100% क्वेश्चंस आने हैं और किस टाइप के आने ही आने हैं. ओके, तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि एक्सरसाइज 5.5 में से, एक्सरसाइज 5.5 और 5.7 में से आपको क्वेश्चन आएंगे डबल डिफरेंशिएशन के प्रूफ के. तो ये 100% कर जाना है आप, ये 100% क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे. सो इसे छोड़ना नहीं है. 5.5 और 5.7 डबल डिफरेंशिएशन के प्रूफ, एक बार डिफरेंशिएशन किया फिर उसके बाद दूसरी बार डिफरेंशिएशन करना होता है, उसके प्रूफ आपको इन दोनों एक्सरसाइजेस में मिल जाएंगे. ओके, तो उसके बाद सेकंड क्या है, मैक्सिमम मिनिमम, वो आता है हमारा 6.2 में. 6.2 में क्या है, आपको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के क्वेश्चंस होंगे. 6.2 में आपको इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के सारे क्वेश्चंस होंगे, वो आप सारे कर जाना, 100% का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, कंफर्म है. और उसके बाद 6.5 एक्सरसाइज है, 6.5 में से 4-6 मार्क्स कोई क्वेश्चन आता है वो आप 100% कर जाना. ओके, तो इसमें से 4-6 मार्क्स आपके पक्का आ जाएंगे. ओके, उसके बाद एक्सरसाइज 7.5 है इंटीग्रेशन की, जिसमें डेफिनेट इंटीग्रल है ये, जिसमें आपको प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चंस हैं. प्रॉपर्टीज वाला क्वेश्चन एक 100% आएगा ही आएगा, तो वो आप छोड़ना नहीं है 7.5. ओके, उसके बाद है लिमिट ऑफ अ सम. लिमिट ऑफ अ सम में इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन में आपको 4 या फिर 6 मार्क्स का क्वेश्चन एक आएगा ही आएगा. तो लिमिट ऑफ अ सम में 4-5 क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज में, उस टाइप के अगर करना चाहते हो, अगर 6 या 4 मार्क्स आपको लाने, क्योंकि 100% ये क्वेश्चन आना ही आना है, तो ये कर जाना आपका जो है लिमिट ऑफ अ सम का. ठीक है, उसके बाद अगर हम प्रोबेबिलिटी की बात करें, जो लास्ट चैप्टर है हमारा, इससे बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं कि ये इतने सारे चैप्टर पढ़े हैं प्रोबेबिलिटी कैसी होगी. मैं एक बात बता दूं, बेस थ्योरम बिल्कुल मत छोड़ना. बेस थ्योरम में से कंफर्म है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आना ही आना है. पिछले सालों में 6 मार्क्स का आता था, पिछले आई थिंक इससे पिछले साल में आया था कि 4 मार्क्स का, बट 6 मार्क्स का आपको मान के चलो कि क्वेश्चन आना ही है, कंफर्म है. तो बेस थ्योरम बिल्कुल ना छोड़ना, चाहे पूरी प्रोबेबिलिटी छोड़ दो अगर छोड़ना चाहते हो तो, वैसे सारा करो. बेस थ्योरम में से 100% है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. ओके, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन है. एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन एओडी से कहते हैं, उसमें से स्टूडेंट्स क्या है डर जाते हैं, पता नहीं क्या है, ये सारे प्रूफ है कहाँ से निकाले, एरियाज वगैरह है सारे, तो उसमें आपको डरने की जरूरत नहीं है. उसमें से 6 मार्क्स का एक क्वेश्चन 100% आना है. कहाँ से आना है वो मैं बता दूं. डिफाइन करने का क्वेश्चन आता है, डेफिनेशन होती है, सर्कल में से, पैराबोला में से, लाइन में से, ठीक है, इनमें से कोई एक होती है. ओके, तो इसमें क्या होता है, जो स्टेटमेंट आपको दी होती है उसमें आपने पहले डिफाइन करना होता है, देन इंटीग्रेशन करनी होती है. तो इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, इंटीग्रेशन इसमें बिल्कुल टफ नहीं है. अगर टफ है भी तो आपको मैं बता दूं, इसमें जो डिफाइन करने के मार्क्स होते हैं, अगर 6 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन है तो डिफाइन करने के मार्क्स 4 होते हैं, उसके बाद इंटीग्रेशन के मार्क्स सिर्फ 2 होते हैं. तो अगर आप डिफाइन भी कर दोगे आपके 4 मार्क्स पक्का हो जाएंगे. तो आपके 2 मार्क्स अगर आपने इंटीग्रेशन नहीं भी की तो इट्स ओके, ठीक है. और इसमें क्या होते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो पीछे हमने सैंपल्स पेपर्स दिए हैं सीबीएसई ने इस साल के, उसमें से चांसेस ऐसे है कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आने वाले हैं, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाले 6 मार्क्स का क्वेश्चन. ओके, उसके बाद हम देखते हैं 3D 11.1 एक्सरसाइज. 11.1 एक्सरसाइज नोट कर लो आप अपनी किसी भी नोटबुक पे. उसके बाद हाँ, आपके जो एनसीईआरटी है उसके लास्ट में,
के लास्ट में 613 613 पेज से आगे के जितने भी पेजेस हैं आंसर से पहले पहले वाले उसमें दिया होता है सप्लीमेंट्री एक्सरसाइजेस। ओके, सप्लीमेंट्री के क्वेश्चंस होते हैं ये, कुछ स्टूडेंट्स को पता होगा आई थिंक, कुछ को बहुतों को नहीं पता होगा क्योंकि पीछे सिर्फ आंसर ही होते हैं, वो सोचते हैं सिलेबस में नहीं है ऐसा कुछ नहीं है, बट ये सिलेबस में बिल्कुल है सप्लीमेंट्री आपका। ओके, तो इसमें से क्या करना है, आपने चैप्टर 10 के उसमें क्वेश्चन है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है उसमें, ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है उसमें, आपने सिर्फ क्या करना है, ओके, चार या छह मार्क्स का आपको क्वेश्चन आना है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट में, वो आपने 100% कर जाना, एक दो क्वेश्चन ही है, ज्यादा बिल्कुल नहीं है। ओके, और एक ये वाला है चैप्टर 7 की एक्सरसाइज से क्वेश्चन है अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट 1 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इंटीग्रेशन है, चार मार्क्स का क्वेश्चन है, इसके ज्यादा क्वेश्चन बिल्कुल नहीं है, दो तीन क्वेश्चन है, अगर और कोई नहीं करना तो सिर्फ सप्लीमेंट्री खोलना और ये क्वेश्चन कर जाना, पक्का आएगा, 100% श्योर है, गारंटी है कि ये पक्का आएगा। ओके, उसके बाद आपको कोप्लैनरिटी ऑफ थ्री वेक्टर्स है, ये 100% तो नहीं मैं कह सकता, 70-80% है कि कोप्लैनरिटी में से क्वेश्चन आए कि कोप्लैनर प्रूफ करो तीन वेक्टर्स को। ओके, ये भी आपको सप्लीमेंट्री में मिल जाएंगे 613 पेज से आगे जो आपको दिया हुआ एनसीईआरटी में। ओके ओके, देन उसके बाद हमारा आता है 1.4 एक्सरसाइज, 1.4 एक्सरसाइज में 23rd, 89th जो क्वेश्चन मैंने लिखे हैं एक मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, बहुत इजी है, ये मत सोचो कि एक मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैं छोड़ दूं या कुछ भी कर दूं, एक एक मार्क्स से आपके मार्क्स बनते हैं। ओके, तो इसमें आपने क्वेश्चन बहुत इजी होता है, बिल्कुल इजी होता है, एक मार्क वाला कभी मत छोड़ा करो। इसमें क्या रहता है, ए स्टार बी, ओके, एक बाइनरी फंक्शन का होता है, बिल्कुल कुछ कंडीशन दी होती है, बी स्टार थ्री निकालना है, बहुत इजी है, आप देखोगे कर लोगे, आप करते ही नहीं हो, अगर आपको टफ लगता है तो इसीलिए टफ लगता है क्योंकि आप बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते, अगर आप प्रैक्टिस करोगे 100% श्योर मैं हूं आप कर लोगे। ओके, उसके बाद आपको क्या, ये तो सारा था कि जिन्होंने मतलब पास होना है और अच्छे मार्क्स लाने हैं, 56 मार्क्स इसमें से जो कंफर्म होते हैं, बट अगर जिन्होंने पास के बाद थोड़े अच्छे मार्क्स भी लेने हैं या फिर जिन्होंने सिर्फ पास होना है, ओके, तो उनके पास मेटल से डिटरमिनेंट चैप्टर भी है जो 13 मार्क्स का, 13 मार्क्स का आएगा, बहुत इजी चैप्टर से ये दोनों, बिल्कुल मत छोड़ना, कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो थोड़ी बहुत टफ है, इट्स ओके, मैं अगली वीडियोस में बता दूंगा उसमें क्या करना है, बट बहुत इजी है, करने की बात है, सिर्फ प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, इट्स ओके। उसके बाद आती है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग आपके 12th के मैथ्स का सबसे इजी चैप्टर है, 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ सकता है उसमें, 4 या 6 मार्क्स का, ओके, पिछले सालों आया था 4 या 6 मार्क्स का, हर साल आता है, इस बार भी कंफर्म है कि 100% 6 मार्क्स का आएगा, अगर सबसे इजी है, क्या करना है, सिर्फ ग्राफ बनाना है आपने, सिर्फ ग्राफ बनाना है और कुछ थोड़ा बहुत लिखना है उसके बारे में, थोड़ा प्रोसीजर है उसका, वो देख लेना, आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा, सोल्ड एग्जांपल्स, 4-5 एग्जांपल्स अगर आप देख भी लोगे ना आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग का। ओके, और ये तो सारा था कि जो आपने 56 मार्क्स तक लाने हैं, बट अगर जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं, 90+ लाने हैं, 95+ लाने हैं, तो उनके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी लिस्ट दे दूंगा कौन से क्वेश्चन एनसीईआरटी के करने ही करने हैं, या फिर मैं आपको डिस्प्ले भी करा दूंगा स्क्रीन के ऊपर, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर आपके आ रहा होगा। एक मैं आपको बता दूंगी टॉर्न इंस्टीट्यूट जो क्लासेस है वो शुरू होने वाली है लास्ट ऑफ द मार्च एंड या फिर स्टार्टिंग ऑफ द 1st अप्रैल से शुरू हो जाएंगी क्लासेस, अगर कोई आना चाहता है तो आपकी मर्जी है, इतना बता दूंगी प्रमोशन के लिए बिल्कुल नहीं है, प्रमोशन के लिए बिल्कुल भी नहीं है, प्रमोट बिल्कुल नहीं कर रहा मैं, और जो आपकी मर्जी है, अगर आप आना चाहते हो क्लासेस के लिए तो आ सकते हो, इट्स ओके, अगर आपको एड्रेस चाहिए तो एड्रेस है अजनाला रोड गुंडाला अमृतसर, अमृतसर में टॉर्क इंस्टीट्यूट की अभी ब्रांच है और दूसरी जगह भी अभी थोड़ी देर में खुल जाएंगी, जो फैकल्टी है टीचर्स की बहुत अच्छी है, अगर आप देखना चाहते हो डेमो क्लासेस तो आप वो भी देख सकते हो, इट इज जस्ट नॉट फॉर द प्रमोशन, इट इज जस्ट फॉर हेल्प, टॉर्क इंस्टीट्यूट हमेशा हेल्प ही करता आया है और हेल्प ही करता रहेगा, अगर आपकी मर्जी है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, नीचे कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हो। इंडियन एजुकेशन में प्लानिंग बिल्कुल नहीं है बच्चों के पास, प्लानिंग से नहीं चलते, कुछ भी करते रहते हैं, तो हाँ अच्छी बात है जब टाइम है तो आप सारा करो, बट अगर टाइम नहीं है तो प्लानिंग के साथ चलो, ओके, तो दैट इज द प्लानिंग, ये सारी प्लानिंग है, इसके साथ चलोगे हो जाएगा, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, और टेंशन लोगे तो बिल्कुल नहीं होगा, आप रिलैक्स होकर के सारा पेपर दीजिए, आपका सारा पेपर हो जाएगा आराम से, और जो क्वेश्चंस आने ही हैं वो बिल्कुल मत छोड़ना, और मैं इतना बता दूं जब एग्जाम में आप बैठते हो तो आप ऐसा सोचा करो कि मैं घर पे ही पेपर कर रहा हूं, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों को आते भी होते हैं वो भी नहीं कर पाते, वो क्या प्रॉब्लम है, डर,
ठीक है, एक फियर उनके अंदर आ जाता है कि ये एग्जाम है, फाइनल एग्जाम है, ये उस पर स्टैंप लग जाती है, दैट इज फाइनल एग्जाम, दिस इज माय फाइनल एग्जाम, इसके बाद कोई एग्जाम नहीं है ट्वेल्थ का, ओके तो ये डर है उसको छोड़ दो, आप समझो मैं घर पे पेपर दे रहा हूँ, अच्छे से पेपर दो, कोई डर नहीं लाना अंदर, सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, अगर कोई डाउट आता है तो आप मुझसे पूछो, जब मर्जी पूछो, बट ये सारे क्वेश्चन जो है वो आप कर लेना, ओके तो बाकी के जो क्वेश्चन होंगे मैं नीचे डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आगे की जो लेक्चर होंगे उसमें बना दूंगा जल्दी, अगर आपको और भी कोई लेक्चर चाहिए, कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो मुझे कॉमेंट में आप बोल सकते हो, लिख सकते हो, मैं उसके ऊपर सारी वीडियो आपको बना के दे दूंगा, इट इज जस्ट फॉर हेल्प, तो इसमें टेंशन लेने की बहुत कोई बात नहीं है, सबसे इजी एग्जाम होने वाला है आपका प्लस टू का, अगर आप करोगे मेहनत करोगे तो हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान मत दो इधर उधर, फोन तो अगर ये लेक्चर थोड़ा बहुत देखना आप देख सकते हो, अगर फालतू की चीजें अगर यूज कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं है आपका, आपकी लाइफ का जो टाइम है वो सारा वेस्ट कर रहे हो, अगर आप इधर उधर की चीजें सोशल मीडिया पे इधर उधर ऐसे टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये सारा डबल का काम होता है, ये ना कीजिए, ओके तो आई होप कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स पे जरूर लिख दो मुझे, ओके थैंक यू।